अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारी बात महिला कांग्रेस पदाधिकारी से हुई। उन्होंने सभी महिलाओं को बधाई दी एवं तंज कसते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिलाओं को काम में लगाया गया एवं महिलाओं द्वारा सुरक्षा भी कराई गई। इस पर उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता है या महिलाओं द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता है। देखिए, पूरे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं पूरे देश की अपनी बहनों को बधाई देती हूँ। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस एक राज्य स्तरीय सम्मेलन कर रही है और उस कार्यक्रम के माध्यम से हम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को ये बताना चाहते हैं कि जहाँ बहनों की सुरक्षा की बात है, जहाँ महंगाई की बात है, जहाँ किसानों की आत्महत्या की बात है, आज महिला कांग्रेस पूरे प्रदेश से आई और ये संदेश देना चाह रही है। एक पैदल मार्च करके हम एक ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम कि आप हमारी बहनों की सुरक्षा कीजिए। ये लगातार रेप गैंगरेप की घटनाएं घट रही हैं, इन पर अंकुश लगाइए, महंगाई पर अंकुश लगाइए। और आज हमारे किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो अपने आप को किसान का पुत्र आप कहते हैं, इनका आप सहयोग करिए, इनकी मदद करिए। आज महिलाओं से शिवराज सिंह चौहान जी ने गाड़ियां चलवाई, अपनी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए, पूरी कमान आज महिलाओं को दे रखी है, क्या बोलना चाहिए? देखिए, आज तो सम्मान का दिन था, आज उन्हें उन बहनों को बिठाकर मंच में सम्मान करना था, ना कि उन्हें अपने सम्मान में बहनों को अपनी सुरक्षा गार्ड के रूप में लगाया है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।